मालिकी साजन बाजी प्यारी सासंग जीव, जो भी जीव यहां पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग यहां पधारे हैं, और जब से आप लोग बैठे हैं बहुत बार आपकी सेवा में अर्ज किया है कि मालिक कमी नहीं छोड़ता, तब से ही सत्संग का फल मिलना शुरू हो जाता है। और आज आपकी सेवा में काफी लेट आई, इसकी कोई वजह होती है? सत्संगत अब भी आ रही है, तो जो लोग भी पधारे हैं, पधार रहे हैं दूर दराज से, आसपास से, आप सबका सत्संग में आश्रम में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नूक शाम दिद के थे, मोस्ट वेलकम। वैसे तो पंजाब का हफ्ता है, पर पंजाब वाले हिंदी समझ लेंगे, सो अज हिंदी ची, क्योंकि साध संगत बारों भी दूर दराज तो भी आई हुई है, सो अज तुसी यही मंजूर कर लियो, अज हिंदी ची ठीक है। और इंसान किस तरह खुश रह सकता है? इंसान इस घोर कलयुग में यहां ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, रिश्ते नातों का बुरा हाल है, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यहां लोग बात बात पे गुमराह हो रहे हैं, यहां मन गुरु बना हुआ है, यहां मनमते लोगों का टोला खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे घोर कलयुग में कौन से वो साधन हैं, कौन से वो नियम हैं जिनसे आदमी खुश रह सके, तंदुरुस्त रह सके और उस सुप्रीम पावर को भी देख सके? तो सबसे पहला साधन जिससे बाकी साधन निकलते हैं वो साधन है सत्संग में चल के आओ। सत्संग में आओगे, बैठोगे, सुनोगे तो आगे का ज्ञान होगा। सत्संग में आने से मालूम पड़ता है कि हमारी जिंदगी में हम क्या कर रहे थे और क्या हकीकत में है। सत्संग आके सुनो, पता चलता है करने वाले कार्य कौन से हैं और नहीं करने वाले कौन से हैं। सबसे पहले ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लो। क्यों लेना चाहिए नाम? आत्मविश्वास, आत्मबल के लिए गुरु मंत्र अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर आत्मबल नहीं होगा, बात बात पे गुस्सा, बात कोई सहन नहीं होगी, गाली गलौज, उससे किसी का नाश नहीं होता, खुद का नाश होता है। दूसरों को देख देख के जलते रहना, इसने कपड़े अच्छे क्यों पहने, ये रब का नाम क्यों लेता है, अच्छा खाने पीने क्यों लग गया, ये बर्बाद क्यों नहीं होता, ये बीमार क्यों नहीं होता, इसकी खेती बंजर क्यों नहीं होती, इसकी दुकान में आग क्यों नहीं लगती, बस ये क्यों और क्या के चक्कर में आदमी का बुरा हाल है, बुरा हाल। तो ये भावनाएं तभी आती हैं जब आत्मिक कमजोरी होती है। जब आप अंदर से कमजोर हैं तो ऐसी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, फिर आप उनमें डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं, खुशियां गायब हो जाती हैं, खुशियां किराए की उधार हो जाती हैं। जो मन के हाथों खुश होते हैं वो ज्यादा देर खुश नहीं रहते, क्योंकि मन का काम ही जीव को तड़फाना, भरमाना, भटकाना होता है। मन के गुलाम ना बनो, गुलाम तो मालिक ने आपको बनाया ही नहीं, खुद मुख्तियार बनाया, आजाद। पर आज बहुत गुलाम है आत्मिक कमजोरी की वजह से, चंद नोटों के लिए दूसरों को गाली गलौच देते हैं, चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार रहा है, चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को गुमराह करके ठगी मार लेता है, बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार। वैसे हिंदी में जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी
लोग हैं उनके आगे लिखा होता है सेवा, हमारे ख्याल में यहां तक हमें आता ख्याल में, तो अगर हिंदी में उनका अनुवाद करें तो उनमें सेवा, समाज सेवा मेनली उनका मतलब होता है। लेकिन आज समाज सेवा तो बड़ी गायब होगी, आज तो जेब सेवा करो तो सेवा ले लो, अगर जेब सेवा नहीं तो समाज सेवा नहीं। ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ फैला हुआ। तो ऐसे भ्रष्ट समाज में, ऐसे भ्रष्ट समय में आत्मिक कमजोरी का आ जाना और भी लाचार कर देता है आदमी। इनमें डूबता है, गम चिंता परेशानियों में रोता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है। तो इन सबसे बचने के लिए आपको आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, ताकि किसी की कही गई बात आप पे असर ना करे। क्योंकि ज्यादातर लोगों पे जरा सी कोई बात कह दो तो लगती रहती है, वो तड़पते रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। ये तभी संभव है जब आत्मा की खुराक खाओगे। शरीर के लिए खुराक है, विटामिन हैं अलग अलग, आंखों के लिए अलग है, शरीर के लिए अलग, बैलेंस डाइट जो खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। जो सही तरीके से खाना खाते हैं उनको कमजोरी नहीं आती, खाने के भी प्रकार होते हैं। एक ही तरह का खाते रहना वो तो ऊंट पशुओं वाली बात होगी, चने रख दिए तो चने ही चरते रहे। बैलेंस्ड खाना जरूरी है। पहले लोग खाते घी दूध, ये आम सादी रोटी, उसमें गुड़ आ गया, शक्कर आ गई, हरी सलाद खा जाते, हरी सब्जियां खा जाते। तो आज किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, वो खाना ही परफेक्ट है जो हमारे बुजुर्ग खाया करते थे, तभी वो तंदुरुस्त रहते थे। डॉक्टर तो गांव में राजस्थान में होते ही नहीं थे, हमारे नजरिए में, हमारे टाइम में भी बाद में डॉक्टर आए थे, पहले डॉक्टर ही नहीं थे, उस गांव में नहीं था। और गांव जो, ये तो पंजाब हरियाणा के नजदीक पड़ता है, जो दूर दराज राजस्थान के गांव है वहां तो मतलब ही नहीं, डॉक्टर होते ही नहीं थे, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता था। और आज देख लो, आज डॉक्टर के बिना आदमी सोच भी नहीं सकता, कॉलोनी बनती है, डॉक्टर पास है कि नहीं पहले सोचा जाता है। तो इसका कारण है कि आदमी खुराक तो ले रहा है लेकिन बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड खुराक खाता है, सही खुराक नहीं खाता, गलत खाता रहता है, तली चीजें खा ली, ये वो, उनमें ना ताकत है, शरीर को खराब करने का सारा सामान है, तो उनमें लगा रहता है दिन रात। चलो शरीर के लिए खाता तो है और आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं खाता, आत्मा बलवान कहां से हो। आत्मा की खुराक अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, उसका सुमरण करे तो आत्म बल बढ़ता है, विल पावर, आत्मविश्वास बढ़ता है, और उसी से ही आदमी को चैन आनंद आता है, उसी से आदमी सहना सीखता है, मन से लड़ना सीखता है, गम चिंता टेंशन परेशानियां उड़ जाती हैं और ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में दिल नहीं लगता। उसको ही संतों के वचनों पे विश्वास आता है। हमने देखा है लोगों के पास जाते हैं, वाह जी वाह क्या मजे हुए कलाकार होते हैं, क्या नाटक करते हैं। सतगुरु के प्यार में आदमी तड़फता है, व्याकुल होता है, बात ही कुछ और होती है, चेहरा कुछ और कहता है, जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं तुझे प्यार करता हूं, पता चल जाता है कि इस मुरीद को कितना अपने सतगुरु मौला पे प्यार है, कितनी मोहब्बत है। क्योंकि आंखें एक जरिया है, फोरहेड, ये माथा एक जरिया है, जितना मर्जी छुपा लो छात्राने चाले चलते चलते, शातिर है मन, छात्राना चाले चलता है आदमी। और अब तो गुरु पीर फकीर को भी कुछ नहीं समझता, क्या है, कुछ भी नहीं है। सामने बैठ के झूठ बोलना, सामने बैठ के अपनी की गई प्लानिंग को सामने जाहिर करना कि आप ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना, ये करना, वो करना, पता चल जाता है कि कितनी मोहब्बत। क्योंकि आज का दौर बड़ा भयानक दौर है, घोर कलयुग का दौर है, घोर कलयुग है, यहां दिखावा बढ़ गया है, असलियत कम होती जा रही है। आपसी प्यार देख लो, मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बेटा बेटी, जिनका आपस में सच्चा प्यार है उनके ऊपर मालिक की कृपा है, अच्छे संस्कार है बुजुर्गों के,
मालिक की रहमत है, तभी परिवारों में अच्छे गुण हैं, वरना तो नाटकबाजी करते लोग नजर आते हैं। पहले बीमार होते थे तो ये होता था, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में जाके लोग दुआ करते थे कि मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरी आधी उम्र उसको लग जाए। आज भी दुआ करते हैं, अगर किसी का भाई बीमार हो जाए आज भी दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, लेकिन आज शब्द बदल गए हैं। आज क्या कहते हैं, हे मालिक मेरा भाई बीमार है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, उसको जल्दी बुला ले ताकि उसका हिस्सा मुझे आ जाए। बस मायने बदल गए हैं, प्रार्थना चल रही है लेकिन शब्द बदल गए हैं। आज तो कोई आदमी किसी को खुश देख के राजी है ही नहीं। तो ये अजीबोगरीब बातें आज हो रही हैं, इसका कारण है आत्मिक कमजोरी। इसको आपने सुमरन के द्वारा आत्मबल बढ़ाना है, और जब आत्मबल आ जाता है ना, उसको कोई गाली गलौच देता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई असर नहीं होता। आपको कोई गाली गलौच दे, बुरा बोले, असर करना बंद कर दोगे, वो सारी गाली गलौच उसी को जाके लग जाएंगे जो बोल रहा है, उसी को टेंशन होगी, यार मैं इतना पुट्ठा उल्टा बोला इसके कोई असर ही नहीं हुआ, और उसका ही अकाज होगा, कोई बीमारी कोई परेशानी, फ्यूचर में आने वाले टाइम में 100% उस आदमी का बुरा होना ही होना होता है अगर आप आगे से चुप रहो। पर आप तो कहते हैं तू थप्पड़ मार रहा है तो मैं पत्थर मारूंगा, एक गाली दी आगे से 10 सुनाते, कहता मेरे क्या जवान नहीं लगी, लगी है बहुत बड़ी है, लेकिन सुमरन करने लग जाओ, मालिक से दुआ करने लग जाओ, यकीनन आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, और बोलने वाला अपनी ताकत का भी नाश करेगा और उसके ऊपर सारी गालियां जाके लग दी जाएंगी। पर हमारे कहने से अगर आप मान लो तो कहने क्या है, पर सुमरण से ही माना जाता है। सुमरण करोगे अंदर शांति आएगी, भड़कन खत्म होगी, तभी तभी आप ठीक होगे। वरना आज हम काफी लेट हुए, कई तो उछल रहे होंगे अंदर ही अंदर, यार ये गुरुजी ने अच्छा चाला पकड़ रखा, गर्मी मर गए, ओहो हो, कईयों को तो बुरा टमाटर जैसे मुंह हो पड़े, क्या पता इसमें भी कोई राज हो, मालिक ने आपके कर्म काटने, और राम जाने यहां बिना राज के तो कोई चीज होती नहीं। पर कईयों का बुरा हाल है, मालिक से दुआ करेंगे अच्छा हाल हो जाए, बाकी फिर उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी वो जाने, उसका काम जाने। सो ये सोच तो आती रहती है ना, कब का बिठा रखा है जी, इतनी देर हो गई, ये वो फलां दिनकर पता नहीं क्या क्या, सिर मत्थे भाई जो मर्जी बोलो, हम फकीरों ने क्या कहना है, चाहे खड़े होके कहते रहो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो वही करना है जो हमारा सतगुरु मौला कहता है, ना कभी किसी के कहने से कुछ कहा ना कभी कहेंगे, हमने तो जो सतगुरु चलाएगा वैसे चलेंगे, चल रहे थे और चलते रहेंगे, ये उसकी रजा है उसकी मर्जी है। तो भाई अब बात यही है कि ऐसे युग में पहले तो आत्मबल को इकट्ठा किया जाएगा, आत्मबल आपके अंदर बढ़ गया, अब आत्मबल अंदर आता है तो आदमी अच्छे नेक कर्म अपने आप करने लग जाता है, भले भले काम करेगा, सबका भला सोचेगा, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नफरत सी हो जाती है, और आदमी को मजबूरी बस कभी ऐसा अनजाने में जाने में हो जाता है तो वो दीन दुखियों की उसकी मदद कर दे तो भी उस पाप से छुटकारा तुरंत हो जाता है, क्योंकि आदमी पूछता है सॉल्यूशन क्या है, कि मेरे से ये चीज हो चुकी इसका हल क्या है, बस एकमात्र हल है परमार्थ करो, दीन दुखियों की मदद कर दो, तो मालिक जरूर दया में रहमत से आपको नवाजेंगे और उन बद्दुओं से बचा लेंगे। इस युग में खुश रहने का यह सबसे बड़ा तरीका है कि सुमरण किया जाए, शांत चित्त शांत मन जब आप हो जाएंगे बेहद खुशियां आपको मिलेंगी, बेहद खुशियों से आप मालामाल हो जाएंगे, आपको गम चिंता टेंशन नहीं रहेगी, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, बड़े लोग होते हैं बड़े बिजनेस की समस्या होती है, यार मेरे कंपिटिटर कौन है, ये नहीं कहता मैं कंपटीशन करके आगे बढ़ूं,
ये सोचता है जो मेरे बराबर का उसको नीचे गिरा के आगे बढ़ूं, तो इसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, उनका बढ़िया नौकर पटा लूं, 2-4 लाख ज्यादा दे दूं, उनके ऐसे कर दूं, उनकी कंपनी में बुरा सामान भेज दूं, उसको फेल कर दूं। अपने वाली को अच्छी बनाता है लेकिन दूसरों को फेल करके अपने वाली चलाना चाहता है। लोगों की बड़े पैमाने पे ये टेंशन है। फिर मिडिल क्लास है, उनको होता है ये मेरे बराबर, अच्छा इसने घर बना लिया, अच्छा इतना बड़ा घर बना लिया, मैं कौन सा कम हूं, चाहे सारी जमीन बेचनी पड़ जाए। गांव में देखा है घर के चक्कर में ही चक्कर पड़ जाता है, तो उनकी टेंशन ये हो जाती है पड़ोसी के पास, ये क्यों उनकी फसल अच्छी क्यों, उनकी दुकान अच्छी क्यों चल रही है, मेरी क्यों खराब चल रही है। उनकी छोड़ दे, तेरी खराब चल रही है, इस पे कंसंट्रेट कर, ध्यान दे कि मेरी खराब क्यों चल रही है और उसमें कमियां निकाल के दूर कर, सुमरण कर, मेहनत कर, तेरी भी दुकान अच्छी चले। लेकिन ज्यादा ध्यान दूसरों की तरफ है, इसकी अच्छी चल रही है, उसकी अच्छी, उसकी अच्छी, उसकी अच्छी। तो फिर आती है छोटा स्केल आ जाता है, वहां बेचारे रोटी के लाले पड़े रहते हैं, रोटी खानी है, शाम को ना उसका आटा आएगा कि नहीं, इतना सामान मिल पाएगा कि नहीं, कपड़े मिलेंगे कि नहीं, छोटा मोटा झुग्गी झोंपड़ी बनेंगी कि नहीं, उसमें रहेंगे कैसे कैसे कैसे, उनकी ये टेंशन है। और जो बिल्कुल फरी हो जाते हैं, दुनियादारी से फरी हो गए, छोड़ दिया, बिन त्यागी तो बस भी कहते हैं, तो उनकी टेंशन क्या हो सकती है, आप खुद सोच लीजिए सत्संग से क्या हो सकती है। वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, ऊंट की पूंछ की तरह है, वो भी मुंडी हुई पूंछ, क्योंकि कोई झगड़ा जमेला नहीं, जब सारे परिवार को अलविदा कह दिया, समाज को सेवा के लिए अपना सारी जिंदगी सौंप दी, तो उनके मन की टेंशन बड़ी होती है, मन जालिम तरह तरह के ख्याल, आपस में 4-5-10 त्यागी तपस्वी बैठे हैं तो एक दूसरे की नोक झोंक, तेरा कपड़ा ये क्यों, तेरी रोटी में ये क्यों, मेरी में मिर्च में ये क्यों, तेरा कमरा ऐसा मेरा कमरा वैसा, तेरा दिंकड़ मेरा इंकड़, सारा दिन यही चक्कर चलता रहता है, विचारों की टेंशन देखो कैसी है। सो अपने अपने टेंशन है, और जो त्यागी तपस्वी हो ही गया फिर चक्कर किस बात का, फिर मन अपने आप को लानत देता है, क्यों बना, मैंने कौन सा तब सोचा था, ओ हो अकल तो अब आई, ये नहीं पता कि तब सही था, अब मन रगड़ा चढ़ा रहा है, अब डांग चढ़ा रखी है मन ने, जो उछलता कूदता फिर रहा है। तो मतलब हर किसी की समाज में टेंशनें हैं, संतों को सारे समाज की टेंशन लगी रहती है, दोनों जहान की। वैसे उस तरह की टेंशन नहीं होती जिससे उनका शरीर बर्बाद हो जाए, बस उस सबकी चिंता में मालिक से दुआएं करते रहते, मालिक तेरा फला आदमी, फला दुनिया, फला एरिया बिगड़ रहा है, हे मालिक रहमत कर दे, हे मेरे दाता रहमत कर, तेरे ही औलाद है, तेरे ही आदमी है, कोई क्षेत्र कोई एरिया पूरे वर्ल्ड में कहीं कुछ होने वाला हो, मालिक से दुआ करते हैं। ये संतों के लिए होता है, इतना बड़ा स्केल दोनों जहान में सारी त्रिलोकियों के लिए दुआएं करते रहते हैं अपने सदगुरु मौला से, पर वो टेंशन नहीं होती, वो उसमें एक ड्यूटी होती है और उसमें परमानंद छुपा होता है। टेंशन कहते हैं जिसमें दुख आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, आदमी चिंताग्रस्त हो, बुरा हाल हो जाता है विचारों का, बहुत बुरा हाल। तो ऐसे समाज में ये टेंशनों का घर है ये दुनिया, सिवाय संतों के वो परमानंद लूटते हैं, वो तो सारे समाज का मालिक की औलाद का भला मांगते हैं, उसी का फिक्र होता है, और उनका वो फिक्र उन्हें मालिक नूरी शुभ रूप से हमेशा मिलाता रहता है, क्योंकि कोई समाज का भला करे तो सही, फिर देखो कितना नजारा आता है, कितना मजा आता है, टोकने वाले बहुत मिलेंगे, रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे रास्ते में अड़चन पैदा करने वाले, लेकिन जिसका मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम होता है वो किसी भी अड़चन की कोई परवाह ना करता है और ना कभी करेगा, और मालिक उसका बाजू ऐसा पकड़ता है इस जहान तो क्या अगले जहान में भी नहीं छोड़ता, कोई कमी नहीं आने देता, कुछ देर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए लेकिन ना अंदर कमी आए ना बाहर कमी आए, सवाल पैदा नहीं होता कोई कमी आ जाए। पर बचनों पे पक्का हो, दृढ़ विश्वासी हो, मन से लड़े, ये सब सुमरण के द्वारा संभव है, नाम के जाप के द्वारा, नाम के बिना संभव नहीं है। ये चिंताओं से मुक्त होना,
गम टेंशन परेशानियों से आजाद होना इसमें मतलब नहीं होता। आदमी सुमण करे, सेवा करे। हम सतगुरु मालिक रहमो करम करने वाला है, सेवा पे आया करते थे, सेवा करते थे, क्वांटल क्वांटल की बोरियां उठा लेते। यहां सेवा चल रही होती सतगुरु जानता है। हालांकि हमारे साथी कहते आप तो बहुत बड़े घर से हो, आप मत करो काम। हमने कहा हमने बचपन से काम किया है, तो हम करते रहते अपनी सेवा। सेवा तो करनी है और यहां जगह मिलती, लेट जाते, लंगर के बिना कोई दूसरी चीज नहीं खाते। और आजकल बताया है समितियां वाले तड़के लगा लगा के खाते हैं, अलग अलग जगहों पे चुल्ले चौके बना रखे हैं, जबकि लंगर मस्ताना जी महाराज के वचन है, परमपिता शास्त्रनाम जी दाता के वचन है। अब भी वो हमसे वचन करवा रहे हैं कि लंगर में ऐसी नियामत है, आपके शरीर के तो क्या, आपके कुलों के भी उद्धार करने की ये शक्ति रखता है, इतनी ताकत। पर नाक बहुत सिकोड़ के अगर लंगर खाया तो क्या खाया, कच्चा है, सब्जी ऐसी है, पानी टपक रहा है। तेरे तो 36 प्रकार का बनता होगा, रोज बनता होगा भाई, अमीर है। यहां तो सतगुरु पीर फकीरों का जैसा बनता है, कोई श्रद्धा भावना से शक गया, हो सकता है कैंसर भी उड़ जाए, और ना शका तो भाई अपनी मर्जी है, श्रद्धा तो अपनी अपनी है ना। दिमाग को समझाया थोड़ा ही जा सकता है। लोग दूर दराज से सत्संग सुनते हैं, दूर दराज से रात को प्रोग्राम हुआ, वहां लोग कितने आए, और पिन ड्रॉप साइलेंट कहते हैं कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज नहीं आती, इतनी संगत, इतना भरा हुआ पंडाल। और कुछ निर्भाग्य ऐसे भी होते हैं जो पास से भी नहीं आ पाते। अब भाग्य बनाया तो नहीं ना जा सकता, क्या पता कोई आगे चल के बैठ जाए, कौन सा खुशी ले जाए। मैं बीमार हूं, मेरा ये है, मेरा टायर पंक्चर है, मेरा हाथ पंक्चर है। लोग तो यहां आके पंक्चर हुए वे ठीक होते हैं, और तू कमरे में रह के ज्यादा पंक्चर से ठीक हो जाएगा। राम जाने, हम कोई बद्दुआ नहीं देते, हम तो ऐसे लोगों को जगाते हैं कि ये ढीठो, ये बेशर्मो, राम नाम जब भी मिले एक पल भी ना जाने दो। आप जब से सुबह से बैठे, जो बैठे थे, नजारा देखना सत्संगों का फल कैसे मिलेगा। जो भावना से श्रद्धा से बैठे हैं, कहीं होते आया राम गया राम, आया राम गया राम, पिताजी कौन सा आए हैं, क्योंकि वो पढ़ के कड़ गए होते हैं। आपने देखा होगा सभी ने आते जाते, हाँ आगे से निगाह रख लेना। अब उनको होगा ले हमें और कह दिया, अब हिल भी नहीं पाएंगे, सारे निगाह रखेंगे। उनके मसाला उसी टाइम ही लग जाती है, मिर्च कहते लग गया पूछ वाले पास, उसी टाइम लग जाता है। हम कहने की देर है, उसी टाइम उनके बुरा हाल हो जाता है विचारों का, क्योंकि उनको सतगुरु की तरह तो वचन मानने नहीं। तो हकीकत हम तो सच कह रहे हैं, इसमें झूठ क्या है। मत हिलो अगर आपको लगता है कि मुझे कह रहे हैं, तो ऐसा बुरा हाल होता है। लोग यहां चारपाई पे डाल डाल के बीमारों को लाते हैं दृढ़ विश्वास के साथ, और वो सतगुरु मौला को कोटन कोट नमस्कार लोग चारपाई पे लेके आते हैं, जो कई महीनों से जुड़े होते हैं, और यहां का लंगर खा के एक दिन में भागे चले जाते हैं। और जो पढ़ के कड़ जाते हैं उनको तो ना, मैं सत्संग में नहीं, मैं तो ढीला हूं। ढीला है तू, तेरा मन जालिम तेरे पे छाया हुआ है, और कोई ढीला ढूला नहीं है। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया ऐसा संग जी, लोगों की जिनके नसीब में मालिक ने सत्संग सेवा रखा है वो करना नहीं चाहते, और जो करना चाहते हैं उनको दुनियादारी ने इतना उलझा रखा है बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती। ये कलयुग है, कलयुग के रंग है। तो आप इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हैं, खुशी खुशी मालिक की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो वचन मान के सुमरण कर लो, वचनों पे पक्के रहो, थोड़ा थोड़ा सुमरण कर लो चलते बैठ के काम धंधा करते हुए। अरे चाहे आपका ध्यान जमे ना जमे, उस सुमरण का फल भी मिलेगा, और की गई सेवा सिमरण परमार्थ आपको इतना फल देगा कि कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो प्यारी सत्संग जी, और संत पीर फकीर की हर बात में रमज होती है, बिना रमज के वो कभी कोई कार्य नहीं करते। मन का मुरोड़ा तो चढ़ता है। एक बार कोई बुढ़िया आई तो बेपरवाजी फरमाते, भाई एक लावे दस पावे, कोई किसी बीमार का इलाज करावे, कोई दीन दुखियों की मदद करे तो एक का दस मिले। उसने बिचारी ने सत्संग सुना और देखा भाई
कोई गरीब है बेचारा भूखा मर रहा है, एक रुपया उस समय बड़ी कीमत होती थी, एक रुपए का खाना वगैरह खिला दिया आठ दस बीस लोग जितने भी थे। तो अब शाम का समय हो गया, अगले दिन उसने जाना था, अब सोचा किराया ही नहीं है क्या होगा, बेचारी सीधी सादी भोली भाली, सत्संग सुना, कहती बाबा वो तो ठीक है अब किराया तो है नहीं। तो रात को टटियां लग गई, लूज मोशन, क्यों रुपया है ना, कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी, रील चढ़ गई। अब सीधे साधों के लिए तो इतनी सी टेंशन भी बहुत पहाड़ होता है जिसने कभी ली ना हो। अब टटियां लग गई, जाए मरोड़ा फिर वापस आ जाए, जाए मरोड़ा फिर वापस आ जाए, निहात होगी पानी पुनी पी के सो गई जैसे तैसे। सुबह उठी तो नाम लिया मालका तेरा ही आसरा, जाप किया और हाथ मारा, कड़कड़ाता दस का नोट हाथ में आ गया, है दस रुपए। तो कहने लगी बाबा एक के दस मिलते तो हैं पर मिलते मरोड़े लगा के। तो ये सच्ची बात है, बाकी सत्संग का फल मिलता तो है पर कहीं वो कितने मरोड़े लगे होंगे, ओहो गर्मी लगी, ओहो फलाना हो गया, त्योंकड़ हो गया, की दस तेनू हो गया जी, हल जोड़े आंदा फिर पशु बना के बच गया, इंसान बन गया, मालिक ने रहमत कर दी, आदमी बन गया, बैठा बैठा भजन सुन रहा है, सतगुरु के वचन सुन रहा है, वो भी वचन है, वो एक भजन के रूप में है। क्या हो गया, कहीं बैठे बैठे बातें लग जाते हैं, पिताजी तो आई नहीं, ऐसा था तेरा कैसा था मेरा ऐसा था, कोई बात नहीं भूत नहीं, बिना वजह टाइम पास। तो सत्संग सुन के टाइम पास करो, फिर देखो कैसा नजारा, टाइम बेशकीमती बन जाएगा, अनमोल बन जाएगा। तो जिन्होंने माने होंगे वचन उनका तो बन गया अनमोल, अब जो शूफू वाले मालिक रहमत उन पे भी करेगा, क्योंकि बैठे तो हैं जस्तस, जैसे भी तैसे भी, बद्दुआ तो आपको भी नहीं, फल तो आपको भी मिलना है, पर पूरा तो आप समझिए, अब ज्यादा क्या कहें। सो ये भी कोई ना कोई राज होता है, उसको क्यों किंतु परंतु या इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, कहीं लगाते रहते हैं खड़ गया नहीं, आता जाता कुछ होता नहीं, लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, खुद कुछ नहीं आता, कुछ भी पता नहीं होता, ना कभी रूहानी स्वरूप के दर्शन किए, ना कभी मालिक को बिना बजाओ मैनू पता है ऐसे है मैनू पता आए, बड़े चढ़ चढ़ के बातें मारते हैं और पता खुद का नहीं है, अभी तो नरकों में जा रहा है, बातें कर करके किसी की निंदा कर करके किसी को बुरा कह कह के बर्बाद हो रहा है। तो इन सब बुराइयों से निजात पाना चाहते हो, सत्संग करो, नाम का सुमरण करो, मालिक की बनाई सृष्टि की सेवा करो, जब भी टाइम मिले बाल बच्चों के परिवार की संभाल करो, पर हक हलाल दशा नवादि किर्त करके करो, उनके मुंह में किसी का खून चूस के जहर मत डालो। ये है जिंदगी में खुशियों लेने का तरीका, और सुमरण के द्वारा ही ये तमाम खुशियां आपको मिलेंगी। सुमरण करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तभी मन कंट्रोल में आएगा, तभी विचारों पे लगाम लगेगा, और तभी मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल हो जाओगे।